जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के शारदा चौक इलाके के दुर्गा मंदिर के पास महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को सागर जिले के पास से गिरफ्तार किया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि 15 मई को गढ़ा थाना क्षेत्र के शारदा चौक दुर्गा मंदिर के पास सरस्वती चौबे की हत्या उसके मकान में रहने वाले पुराने किरायेदार रामकृष्ण लोधी के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। मामले में आरोपी की तलाश में जबलपुर पुलिस अलग अलग टीमें पतासाजी में घटना के बाद से ही लगी हुई थी। जानकारी मिली कि आरोपी रामकृष्ण लोधी सागर जिले के पास है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सागर जिले के पास से गिरफ्तार किया। वहीं हत्या में प्रयुक्त 12 बोर की बंदूक और एक कारतूस भी आरोपी से पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा आरोपी रामकृष्ण लोधी की पत्नी और मृतक महिला सरस्वती चौबे के बेटे के बीच अवैध संबंध थे, जिसको लेकर महिला सरस्वती चौबे और आरोपी रामकृष्ण लोधी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद लोधी ने सरस्वती चौबे की अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंद्रह पाँच के शाम की थाना गढ़ा के गंगा सागर कॉलोनी की एक घटना है, जहां पर एक 45 वर्षीय महिला की हत्या हो गई थी और वह हत्या बंदूक चलाकर के की गई थी। इसमें आरोपी नामजद था और घटना के तुरंत बाद फरार हो गया था, तो इसको लगातार इसका पीछा करके दो दिनों के अंदर इसको पकड़ा गया है। आरोपी ने जो हथियार इस घटना में यूज किया था, 12 बोर की बंदूक, जो उसकी लाइसेंसी बंदूक थी, क्योंकि आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है,